तो फाइनली दोस्तों आज टाइगर नागेश्वर राव को सिनेमाघरों में रिलीज हुए आज 12 दिन हो चुके हैं। तो 12 दिन में यह मूवी कितने का कलेक्शन कर रही है और कौन कौन से मूवी को पीछे छोड़ रही है, तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आखिर यह मूवी कितने का कलेक्शन अपने 12वें दिन कर रही है। वैसे अगर आप भी इस मूवी को जानने के लिए एक्साइटेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस मूवी ने अपने पहले दिन कितने का कलेक्शन किया था। तो चलिए आपको बताते हैं, इस मूवी ने अपने पहले दिन लगभग 6,55,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं आपको बताते चले इस मूवी के दूसरे दिन के कलेक्शन के बारे में कि यह मूवी अपने दूसरे दिन कितने का कलेक्शन की थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह मूवी अपने दूसरे दिन लगभग 4,13,00,000 रुपए का इंडियन नेट कलेक्शन की थी। अब आपको बता दें कि यह मूवी अपने तीसरे दिन कितने का कलेक्शन की थी। तो दोस्तों मैं आपको बताते चलो, इसके तीसरे दिन बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिला था और यह मूवी अपने तीसरे दिन लगभग 4,06,00,000 रुपये का ही कलेक्शन कर पाई थी। वैसे में दोस्तों इस मूवी का 3 दिन का कलेक्शन 15,00,000 रुपये हो चुके थे। वहीं अब बात कर लेते इसके चौथे दिन के कलेक्शन के बारे में कि यह मूवी अपने चौथे दिन कितने का कलेक्शन कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह मूवी अपने चौथे दिन कितने का कलेक्शन कर रही थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह मूवी अपने चौथे दिन लगभग 4,60,00,000 रुपए का कलेक्शन करती हुई नजर आई थी। यह मूवी अपने पांचवें दिन बहुत ही अच्छा कलेक्शन करती हुई नजर आई थी, क्योंकि इस मूवी के पांचवें दिन बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला था और यह मूवी अपने पांचवें दिन लगभग 5,35,00,000 रुपए का कलेक्शन करती हुई नजर आई थी। और यह मूवी अपने छठवें दिन भी अच्छा कलेक्शन करती हुई नजर आई थी और यह मूवी अपने छठवें दिन लगभग 4,00,000 रुपए का कलेक्शन करती हुई नजर आई थी। वहीं इस मूवी के सातवें दिन बहुत ही कम कलेक्शन करती हुई नजर आई थी और यह मूवी अपने सातवें दिन लगभग 1,75,00,000 रुपए का इंडियन नेट कलेक्शन करती नजर आई थी। वहीं अब बात कर लेते इसके फर्स्ट वीक के कलेक्शन के बारे में कि यह मूवी अपने पहले फर्स्ट वीक में कितने का कलेक्शन कर रही थी। तो दोस्तों मैं आपको बताते चलो, यह मूवी अपने पहले वीक में लगभग 30,44,00,000 रुपए का कलेक्शन करती हुई नजर आई थी। अब बात कर लेते हैं इसके आठवें दिन के कलेक्शन के बारे में कि यह मूवी अपने आठवें दिन कितने का कलेक्शन करती हुई नजर आई थी। तो आपको बता दें कि यह मूवी अपने आठवें दिन लगभग 1,50,000,000 रुपए का कलेक्शन करती हुई नजर आई थी। वहीं मूवी अपने नौवें दिन लगभग 1,25,00,000 रुपए का कलेक्शन करती हुई नजर आई थी और इसके दसवें दिन बहुत ही ज्यादा ड्रॉप देखने को मिला और यह मूवी अपने 10वें दिन लगभग 1,00,00,000 रुपए का ही कलेक्शन कर रही थी। वहीं बात कर लेते हैं इसके 11वें दिन के कलेक्शन के बारे में कि आखिर यह मूवी अपने 11वें दिन कितने का कलेक्शन करती हुई नजर आई थी। दोस्तों मैं आपको बताते चलो, यह मूवी अपने 11वें दिन लगभग 1,10,00,000 रुपए का कलेक्शन करती हुई नजर आई थी। वहीं बात कर लेते हैं इसके 12वें दिन के कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी ने अपने 12वें दिन लगभग 90,00,000 रुपए का कलेक्शन की थी। तो वही इस मूवी का टोटल इंडियन नेट कलेक्शन 34,90,00,000 रुपए हो चुका है। वही अब बात कर लेते हैं इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में कि आखिर यह मूवी 12 दिनों में कितने का कलेक्शन कर चुकी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 47,70,00,000 रुपए हो चुके हैं और यह मूवी ओवरसीज मार्केट से लगभग 10,00,00,000 रुपए का कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है और इस मूवी का इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 37,00,00,000 रुपए हो चुके हैं। ऐसे में यह मूवी एक एवरेज फिल्म साबित हो चुकी है। वहीं आपको बता दूं कि इस मूवी को बनाने में सिर्फ 40,00,00,000 रुपए ही लगे थे और इस मूवी में हमें बेहतरीन एक्टर भी देखने को मिले हैं। वहीं आपको बता दें नूपुर सेनन की यह पहली डेब्यू फिल्म है, जो कि इससे पहले बॉलीवुड में एक सॉन्ग कर चुकी हैं, वो भी अक्षय कुमार के साथ। वैसे आपको रवि तेजा और नूपुर सेनन की जोड़ी कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी अन्य नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।